ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन रुआन को दिखाया जाता है, जो कि रुआन फैमिली की इकलौती बेटी होती है। वो सर्वेंट से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरी आइडेंटिटी पता चले, तो इस बारे में सोप मत करना। और अपने रुआन विला की तरफ जाते हुए सोचने लगती है कि आज मेरी और बॉस यहाँ की थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं जल्दी से अपना सामान लेकर चली जाती हूँ। जिसके बाद रुआन बो विला पहुंचती हैं, जहां पर सिहान की मॉम लिंजिंग बैठी हुई थी। रुआन कहने लगती है कि आप यहां पर, तो लिंजिंग उसे सुनाने लगती है कि क्यों मैं अपने ही बेटे के घर पर नहीं आ सकती, तुम एक यूजलेस वुमन हो, तुम एक पांच हो जो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती, तुम मेरे बेटे को छोड़ क्यों नहीं देती है, और गुस्से में उस पर भड़कते हुए वहां से चली जाती है। वहीं पर सर्वेंट भी रुआन को सुनाने लगती है कि आप यहां पर किसी काम की नहीं है और ना ही मिस्टर बो आपको पसंद करते हैं, आप इस घर को छोड़ क्यों नहीं देती। लेकिन रुआन सोचती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ और बड़े प्यार से सारी चीज़ें सजाने लगती है और बनाने लगती है। तभी सियान घर आता है, तो रुआन उसे कहने लगती है कि आज हमारी थर्ड एनिवर्सरी है। सियान उसे खुद से दूर करता है और उस पर भड़कते हुए कहने लगता है कि तुम हमारी शादी की बात भी कैसे कर सकती हो, सीसी ने मेरी जान बचाई थी और तुमने उसे धक्का दे दिया था और इस वजह से वो वेजिटेरियन स्टेट में है, तुम इतनी ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकती हो। रुआन सोचने लगती है कि अगर मैंने तुम्हें बताया भी तो तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। और वो सियान से कहने लगती है कि हम एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं, तो सियान कहता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तो रुआन कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो क्यों ना मैं मिसेस बो की जगह खाली कर दूं, जिससे सीसी मिसेस बो बन सके। तो सियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि उससे पहले तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और उससे जाकर माफ़ी मांगो, क्योंकि उसे होश आ चुका है। जिसके बाद सियान रुआन को जबरदस्ती सीसी के वार्ड में ले जाता है और सीसी के सामने खड़ा करते हुए कहता है कि अब तुम इससे माफ़ी मांगो, लेकिन रुआन उसे माफ़ी नहीं मांगती। तो सीसी नौटंकी करते हुए कहने लगती है कि प्लीज़ तुम इसे कुछ मत कहो, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं थी। तो सियान कहता है कि सब इसी की गलती थी, इसने तुम्हें धक्का दिया था, तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो। तभी सियान को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। रुआन सीसी के सामने बैठते हुए उसे देखने लगती है और कहने लगती है कि आखिर तुम कब तक सियान के सामने नौटंकी करती रहोगी। तो सीसी उसे कहने लगती है कि सियान तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिससे वो थोड़ा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर सियान आता है, तो रुआन उससे कहती है कि कल हम डिवोर्स ले लेंगे, तो 10 बजे से बिल्कुल आ जाना, और वहाँ से चली जाती है। सियान को तो ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। तभी सीसी नौटंकी करने लगती है कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम मेरे साथ ही रहो, तो वो उसके साथ रुक जाता है और सीसी मुस्कुराने लगती है। इधर रुआन की मॉम मिसेस रुआन उसके डैड मिस्टर रुआन को बोल रही होती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही रुआन ने उस सियान से शादी की, अगर तुमने उसे परमिशन न दी होती तो उसके कभी भी उसे शादी नहीं होती, अब 3 साल से हमारी बेटी घर वापस नहीं आई है। तभी वहाँ पर रुआन आ जाती है, जिसे देखकर मिसेस रुआन तुरंत उसे गले लगा लेती है। रुआन रोने लगती है, तो डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें सियान ने बुली किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। डैड वहाँ से जाने लगते हैं, तो रुआन उन्हें पकड़ती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। मिस्टर रुआन कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो रुआन कहती है कि अब मैं दोबारा से कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो वो ओके बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में रुआन ऑफिस पहुंचती है, जहां पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि ये 3 साल के बाद वापस आई है और इसने एक झूठी अफवाह फैला दी थी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस वुमन है। रुआन मीटिंग रूम में पहुंचती है, तो एक आदमी कहने लगता है कि तुमने पहले ही झूठी अफवाह की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान करवा दिया था। तो रुआन रिपोर्ट देखते हुए कहने लगती है कि 3 साल पहले जैसा मैं छोड़कर गई थी, आप लोगों ने तो उससे भी बेकार हालत कर दी है, अगर आप लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो यहाँ से जा सकते हैं, अब मैं यहाँ पर नई पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करूँगी। दूसरी तरफ सियान एक आदमी पर गुस्सा कर रहा था और कहता है कि पूरा 1 महीना हो गया है, तुम लोगों ने अभी तक उसे ढूंढा नहीं, जाकर उसे जल्दी ढूंढो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी असिस्टेंट सियान के पास आता है और उसे पेपर्स दिखाता है और बताता है कि मिस्टर रुआन की बेटी 3 साल के बाद वापस आ गई है और अब वो उनका बिजनेस संभाल रही है, क्या आप चाहते हैं कि हम उनसे बात करें। तो सियान कहता है कि देख लेते हैं वो भी क्या कर लेगी। तभी सियान को रुआन का कॉल आता है, सियान रुआन से कहने लगता है कि तुम्हें अब जाकर याद आया है, पूरा 1 महीना निकल चुका है। रुआन कहने लगती है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, तो वो कहता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है, अगर तुमने मुझसे डिवोर्स ले लिया तो तुम मुझसे कभी भी दोबारा शादी नहीं कर पाओगी। तो वो कहती है कि मैं भी इसे खेल नहीं समझ रही, और वैसे भी मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, तो फिर सिविल कोर्ट में मिलते हैं, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो रुआन के पास पहुंचता है, तो रुआन कहने लगती है कि हम पूरे 1 महीने के बाद मिल रहे हैं, क्या तुम खुश नहीं हो कि हमारा डिवोर्स वाला है। सियान उसे कहने लगता है कि तुम ये बेकार के गेम खेलना बंद करो, और उसका गला पकड़ कर कहने लगता है कि चुपचाप मेरे साथ घर चलो। रुआन पास का सीन याद करती है, जहाँ पर रुआन का मिसकैरेज हो जाता है और रुआन सियान को कॉल करती है, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर दिखाया जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल में रुआन को डॉक्टर बताते हैं कि उसे आने में बहुत ज्यादा देर हो गई है, इसलिए बच्चा मर चुका है, और रुआन बेहोश हो जाती है।
प्रेजेंट में रुआन उसे कहती है कि तुम कभी भी मेरे साथ अच्छे नहीं थे। सियान कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। रुआन उसका हाथ चटकती है और कहती है कि मैं अब दोबारा तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना चाहती। ऐसा तो है नहीं कि तुम मेरे बिना मर जाओगे, वैसे भी तुम उसे प्यार नहीं करते तो तुम अपनी वाइफ से इसी को बना सकते हो। सियान गुस्से में रुआन को किस करता है तो रुआन उसे गुस्से दूर करती है और गुस्से में सिविल कोर्ट के अंदर चली जाती है और दोनों डिवोर्स फाइल कर देते हैं, लेकिन उनका डिवोर्स अभी होता नहीं है। सियान उसे कहने लगता है कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी, तो वो कहती है कि हाँ, अब से मेरा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। सियान को तो ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट दिन में रुआन मीटिंग के लिए जा रही थी तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर वैंग मिस्टर बो से यहाँ मिलने आए हैं, तो रुआन तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देखकर मिस्टर वैंग असिस्टेंट से पूछने लगते हैं कि तुम ये किसके साथ आ गए हो। वही सियान भी कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो रुआन कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं मिस्टर वैंग से बात करने आई हूँ। असिस्टेंट मिस्टर वैंग को बताता है कि ये मिस्टर रुआन की बेटी है और अब रुआन ग्रुप को यही संभाल रही है, यही रुआन ग्रुप की सीईओ है, जो सुनकर सियान तो हैरान हो जाता है क्योंकि रुआन ने अपनी रियल आइडेंटिटी उसे भी नहीं बताई होती है। यहाँ पर रुआन मिस्टर वैंग से बात करने लगती है और कहती है कि आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसके बावजूद आप मिस्टर बो से मिलने आए हुए हो। तो मिस्टर वैंग पहले तो बहाना लगाने लगते हैं, लेकिन फिर बाद में कहने लगते हैं कि आज की मार्केट तो तुम्हें पता ही है कि कैसी चल रही है और मिस्टर बो के साथ कॉपरेशन करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो रुआन कहने लगती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसे भी हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। तो मिस्टर वैंग रुआन को ही सुनाने लगते हैं कि मैं तो अपना ही फ़ायदा सोचूंगा ना, तभी सियान गुस्से में वहाँ से उन्हें भेज देता है और रुआन से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। तो रुआन कहती है कि मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें बता देती तो मुझे तुम्हारा असली चेहरा कैसे पता चलता कि तुम भी औरों की तरह पैसों के पीछे हो। तो सियान कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, कि तुम खुद को इतना ज़्यादा वर्दी समझती हो। तो रुआन कहती है कि हाँ, अगर मैंने अपनी ट्रू आइडेंटिटी तुम्हें बता दी होती तो तुम जरूर मेरे पीछे घूमते। खैर, वैसे भी तुम ना तो मेरा प्यार डिजर्व करते हो ना ही मेरे हस्बैंड होना, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सियान तो उसे देखता रह जाता है। बाहर जाकर रुआन असिस्टेंट से कहती है कि मिस्टर वैंग के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसे कैंसिल कर दो, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में रुआन बैठी हुई थी तभी उसे सर्वेंट की कॉल आती है जो उसे बताती है कि लिनजिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो रुआन कहती है कि मैंने और सियान ने डाइवोर्स फाइल कर दिया है, तो मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसकी मॉम से। तो सर्वेंट कहती है कि आपकी फ्रेंड यहाँ पर आई हुई है और लिनजिंग की से लड़ाई हो रही है, तो वो तुरंत वहाँ से निकलती है। रुआन घर पहुँचती है और बाहर से आवाज़ सुनने लगती है, जहाँ पर रुआन की फ्रेंड फैंग लिनजिंग को सुना रही थी कि तुम्हारे जैसा घटिया परिवार मैंने आज तक नहीं देखा, जो सुनकर लिनजिंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बिल्कुल रुआन की तरह बेशरम हो, वो सिर्फ पैसों के लिए हमारे साथ ही लाची कही की, मैंने अब अपने लिए दूसरी डॉटर इन लॉ ढूंढ ली है, तो उसे कहो कि यहाँ से दफा हो जाए। रुआन तभी दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर जाकर देखती है, जहाँ पर लिनजिंग रुआन को भी सुनाने लगती है कि अपनी फ्रेंड को यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। तो रुआन कहती है कि अब मैं आपकी बातें क्यों सुनूं, मैं पहले सियान से प्यार करती थी, इस वजह से आपको भी बर्दाश्त करती थी। तो लिनजिंग को तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि अच्छा, तो अब तुम उल्टा जवाब देने लग गई हो। तभी फैंग रुआन के पास आती है और उसे कहने लगती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अनलकी है, जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आए हैं तुम्हारे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। तो लिनजिंग कहने लगती है कि जब से ये यहाँ पर आई है तब से हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये बेकार लड़की है, और उस पर हाथ उठाने वाली थी। तभी रुआन उसका हाथ पकड़ लेती है, लिनजिंग उसे छोड़ने के लिए कहती है लेकिन रुआन नहीं छोड़ती। तभी वहाँ पर सियान आ जाता है और रुआन से कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरे साथ करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना ज़्यादा गिर सकती हो, मेरी मोम को छोड़ दो। रुआन कहती है कि मेरे बर्दाश्त की भी तो कोई लिमिट है ना। तो लिनजिंग उसे सुनाने लगती है कि अब तुमने सियान से डाइवोर्स ले लिया है तो चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। तो रुआन कहती है कि मुझे वो घटिया सामान नहीं चाहिए, तुम्हें फेंकना है तो फेंक दो, क्योंकि मैं यहाँ पर से कोई भी घटिया चीज़ अपने साथ नहीं ले जाना चाहती, और अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ से चली जाती है। रुआन बाहर आती है जहाँ पर फैंग लिनजिंग के बारे में ही बातें कर रही थी, वो बहुत ही बेकार इंसान है, माना तुम सियान को डाइवोर्स नहीं देना चाहती लेकिन तुम्हें इस घटिया औरत को तो सबक सिखाना ही होगा। तो रुआन उसे बताती है कि हमने डाइवोर्स फाइल कर दिया है, जो सुनकर फैंग तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि शुक्र है तुमने उस घटिया इंसान से डाइवोर्स ले लिया, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था और ना ही उसकी फैमिली, उस बुढ़िया को भी पता चल जाएगा कि तुम जैसी अच्छी और प्यारी बहू उन्हें कहीं भी नहीं मिलने वाली। तभी वहाँ पर सियान आता है, रुआन से पूछने लगता है कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो फैंग से कहने लगती है कि तुम होते कौन हो ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले, तुम एक बेकार इंसान हो। सियान रुआन को कहता है कि ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो रुआन कहती है कि हाँ लेकिन तुम सच में बेकार इंसान हो, माना तुमने कभी किसी लड़की को छुआ नहीं लेकिन कभी भी कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम बाद में रिग्रेट करो, और वैसे भी अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। और वहाँ से जाने लगती है, सियान कार तेज़ी से चलाते हुए वहाँ से जाता है, रुआन के ऊपर पानी उड़ता है जिससे फैंग चिल्लाने लगती है, उसे गालियाँ देने लगती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें कभी भी दूसरी वाइफ ना मिले।
रुआन फेंग से कहती है कि चलो हम शॉपिंग के लिए चलते हैं क्योंकि मुझे अपनी मॉम के लिए गिफ्ट भी खरीदना है उनके बर्थडे के लिए। जिसके बाद रुआन ज्वेलरी देख रही थी तो फेंग कहने लगती है कि 3 सालों में इतने ध्यान से तो तुमने कभी कुछ नहीं खरीदा। तो रुआन कहती है कि मैं मॉम को बेस्ट गिफ्ट देना चाहती हूँ क्योंकि इन 3 सालों में उन्होंने अपना बर्थडे नहीं मनाया। और वो ज्वेलरी देख रही होती है तभी वहाँ पर सीसी भी आ जाती है अपनी फ्रेंड के साथ, जो उसकी तारीफ़ें कर रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तभी सीसी की नज़र रुआन पर पड़ जाती है तो वो दोनों रुआन के पास पहुँच जाती हैं और उसकी फ्रेंड रुआन को सुनाने लगती है कि तुम इतनी ज़्यादा बेशरम हो जो किसी की मिस्ट्रेस बनी हुई हो। तो फेंग कहती कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि किसी और के हस्बैंड को छीनना और ये जानते हुए भी कि उसकी शादी हो चुकी है उसे सीड्यूस करने को ही मिस्ट्रेस कहते हैं। वो कौन है तुम भी अच्छे से जानती हो। जो सुनकर सीसी को तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि तुम्हें सियान ने घर से बाहर निकाल दिया है। तो फेंग कहती है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा शोर शराबा है, क्या यहाँ पर कुत्तों का भी आना अलाउड है। तो सीसी फेंग से बहस करने लगती है तो रुआन उसे थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि तुम्हें जो कहना है मुझे कह सकती हो लेकिन मेरी फ्रेंड को कुछ मत कहना। सीसी कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बन रही हो, हमारी की फैमिली जल्दी रुआन फैमिली के साथ कॉपरेशन करने वाली है तो उसके बाद हमारी कंपनी भी बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर पहुँच जाएगी और फिर मैं सियान से शादी कर लूँगी। ये सुनकर रुआन सोचने लगती है कि हमारा कॉपरेशन इनकी फैमिली के साथ कब हुआ। सीसी कहती है कि मैंने सुना है कि मिस रुआन वापस आ गई है और वो भी मेरी एज की है तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, फिर तो तुम मुझे कभी भी छू नहीं पाओगी। और कहती रुआन कहने लगती है कि कुत्ते तो भुगते रहते हैं, चलो हम सामान खरीद लेते हैं। और वो एक नेकलेस पसंद कर लेती है और उसकी पेमेंट दे देती है, जो देखकर सीसी तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, क्या तुमने सियान से छुड़ाए हैं। फेंग कहती है कि क्या तुमने सबको अपने जैसा समझा है। रुआन कहती है कि तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए तभी तुम्हारी कंपनी भी आगे बढ़ पाएगी। सीसी रुआन के पास आकर कहती है कि बस हमारे कॉपरेशन का वेट करो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, और वहाँ से अपनी फ्रेंड को लेकर चली जाती है। रुआन वहाँ से जाते हुए असिस्टेंट को कॉल करती है कि हमारी और की फैमिली का कॉपरेशन कब हुआ। तो असिस्टेंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उनकी बेटी यहाँ पर आई थी लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही थी कि मैं इस बारे में सोचूं तो मैंने कह दिया कि मैं बाद में बात करता हूँ। तो रुआन कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें उसका कॉल आए तो तुम मना मत करना बल्कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। तो असिस्टेंट ओके बोल देता है। फ्रेंक कहती है कि जब सीसी को पता चलेगा कि तुम ही मिस रुआन हो तो उसका चेहरा तो देखने लायक होगा, लेकिन तुम क्या करने वाली हो। तो रुआन कहती है कि वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में रुआन एक रेस्टोरेंट में असिस्टेंट के साथ पहुंचती है, वहां पर सियान और सीसी भी बैठे हुए थे। रुआन वहां से जा रही थी तभी सीसी असिस्टेंट से कहने लगती है कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, क्या आप भी खाना खाने आए हैं, लेकिन आप इस रुआन के साथ खाना खाने क्यों आए हैं। और रुआन को काफ़ी कुछ सुनाने लगती है कि तुम अपने हस्बैंड के होते हुए दूसरे आदमी के साथ रेस्टोरेंट कैसे आ सकती हो। तो असिस्टेंट सीसी को ही सुना देता है कि तुमने भी तो मेरे साथ कई बार खाना खाया है। तो वो सियान से कहने लगती है कि ऐसा उल्टा नहीं है, मैंने बिजनेस के काम के लिए इनके साथ डिनर किया था। तो असिस्टेंट कहता है कि तुमने मुझे होटल और बेड तक जाने की भी बात की है। सीसी तो डर जाती है, रुआन वहाँ से जाने लगती है तभी सियान रुआन से कहता है कि सीसी से माफ़ी मांगो। तो रुआन कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगू, तुमने आज तक मेरे लिए क्या ही किया है जो तुम मुझे ये बोलने का हक रख रहे हो। तो सीसी फिर से बीच में बोल पड़ती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, 2 दिन पहले ही तो तुमने 100 मिलियन का नेकलेस खरीदा था, वो पैसे सियान के ही तो थे। रुआन सियान से कहती है कि बताओ इसे कि क्या वो पैसे तुम्हारे थे। तो सियान कुछ भी नहीं कहता। रुआन असिस्टेंट से कहने लगती है कि ये प्लेस बहुत ज़्यादा मनहूस हो गई है तो हम किसी और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट सीसी को कहता है कि आज के बाद कभी भी मुझे होटल के बारे में मत पूछना, मुझे तुम जैसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। सीसी सियान को एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि असिस्टेंट जरूर रुआन को बचाने के लिए झूठ बोल रहा होगा, मुझे अभी कोमा से आए हुए 1 मंथ ही हुआ है, मैं अपनी इमेज साफ रखना चाहती हूँ, लेकिन रुआन उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो सियान कहता है कि वो रुआन फैमिली का असिस्टेंट है और रुआन फैमिली में वो सब कुछ संभालता है तो वो झूठ क्यों बोलेगा। तो सीसी कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो वो कुछ नहीं कहता और उसे खाना खाने के लिए कहता है। जिसके बाद रुआन और असिस्टेंट आपस में बातें कर रहे थे, रुआन उससे पूछती है कि क्या सच में सीसी ने तुम्हें होटल के लिए पूछा था। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ, वो कॉपरेशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, वो जैसे चालाक लड़की तो मैंने कभी भी नहीं देखी। तो रुआन हंसने लगती है। असिस्टेंट कहता है कि जो लास्ट टाइम आपने कहा था वो कब से स्टार्ट करना है। तो रुआन कहती है कि 1 वीक के बाद। 1 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिस के बाहर सीसी मिस रुआन और असिस्टेंट का वेट कर रही थी और अपने असिस्टेंट से कहती है कि देख लेना आज तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा ही होगा, लेकिन उसे कोई अंदर जाने नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर रुआन आ जाती है, सीसी रुआन को सुनाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रुआन कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। तो सीसी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मेरा और रुआन फैमिली का कॉपरेशन होने वाला है, उन्हें मेरे डिजाइन बहुत ज़्यादा पसंद आए। रुआन याद करती है जहाँ पर असिस्टेंट रुआन को सीसी के डिज़ाइन दिखाता और कहने लगता है कि ये बिल्कुल बेकार डिज़ाइन है, मैंने पहले तो देखकर ही मना कर दिया था लेकिन उसने दोबारा से अमेंड करके भेज दिया, लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा घटिया लग रहे हैं, लेकिन वो अभी भी कॉपरेशन के बारे में झूठी अफवाह फैला रही है, तो अब क्या चाहती है, मैं इसमें कुछ हेल्प करूँ। तो रुआन मना कर देती है और कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो क्या कर सकती है।
प्रेजेंट में रुआन यही सब सोचकर मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखकर सिसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो रुआन से कहने लगती है कि तुम्हारा और मिस रुआन का सरनेम सेम है, लेकिन किस्मत देखो तुम उनके जूते के बराबर भी नहीं हो। तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है और सिसी से पूछने लगती है कि रुआन फैमिली का और आपका कोऑपरेशन होने वाला है, तो आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? तो वो झूठ बोलने लगती है कि हमारा कोऑपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। तो वो लोग पूछते हैं कि आप अपने और मिस रुआन की मीटिंग के बारे में कुछ बोल सकते हैं, तो वो कहती है कि मिस रुआन को मेरे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आए। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और सिसी असिस्टेंट से पूछने लगती है कि मिस रुआन नहीं आई क्या। असिस्टेंट पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो सिसी कहने लगती है कि आज तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था ना। तो असिस्टेंट कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। जो सुनकर सिसी उल्टा रुआन को ही कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही असिस्टेंट को कुछ कहा होगा। तो रिपोर्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या कोऑपरेशन पर्सनल इशू की वजह से टूटने वाला है। यहाँ पर असिस्टेंट सबके सामने अनाउंस कर देता है कि मैंने इस लेडी को कभी भी नहीं कहा कि हम इनके साथ कोऑपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेकार औरत है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर सिर्फ तमाशा करने आई है। तो यहाँ पर सिसी अपनी इमेज साफ़ करने की कोशिश करने लगती है, तो रुआन कहती है कि तुम्हारी तरह तुम्हारे डिज़ाइंस भी बहुत बेकार थे। तो सिसी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे डिज़ाइंस कैसे थे, क्या तुमने मेरे डिज़ाइंस चोरी किए हैं? और उस पर हाथ उठाने वाली थी, तभी रुआन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मेरी चोरी तुम जैसी बेकार नहीं है जो मैं तुम्हारे घटिया डिज़ाइंस को चोरी करने बैठूँ, और वहाँ से अंदर चली जाती है। सिसी ये देखकर असिस्टेंट से कहने लगती है कि आप इसे अंदर आने क्यों दे रहे हैं, क्या आपने जानबूझकर मेरी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की है? तो असिस्टेंट उससे कहता है कि तुम जाकर अपने डिज़ाइंस को अच्छे से देख लो, मुझे लगता है कि तुम खुद ही अपनी फैमिली के रेपुटेशन ख़राब कर रही हो, दोबारा यहाँ पर दिख मत जाना, और वहाँ से चला जाता है। सारे रिपोर्टर्स सीसी के पीछे पड़ जाते हैं, तो सीसी तो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट रुआन को बताता है कि आपकी मिस्टर गु के साथ मीटिंग है, अगर आपके बारे में सिसी को पता चल गया तो वो तो हैरान हो जाएगी। रुआन कहने लगता है कि कभी न कभी उसे पता चल ही जाएगा। देन मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गु, जो कि सियान का कंपटीटर होता है, रुआन से कहता है कि आप पूरे 3 साल तक गायब रहे हो, उस दौरान आप कहाँ थी? तो रुआन कहने लगती है कि यहाँ पर हम शेयर की बात करने आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप दूसरों की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वो कहता है कि दूसरों की बात अलग है और आपकी अलग, और आपको तो पता ही है कि सियान और मैं कॉम्पिटिटर है। जानना चाहता हूँ कि पिछले 3 सालों में आपका बो ग्रुप से कोई रिलेशन रहा है कि नहीं। तो रुआन कहने लगती है कि आपको देखकर लगता है कि आपको पहले से ही सब कुछ पता है, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा और उसका डिवोर्स हो चुका है, तो आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर को मान जाता है और दोनों ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद रुआन पार्किंग से जा रही थी, तभी असिस्टेंट रुआन से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर गु बहुत ज़्यादा चालाक लोमड़ी है, आपको उसके साथ कोऑपरेशन करते हुए सावधानी रखनी होगी। तो रुआन कहती है कि तुम चिंता मत करो। तभी रुआन को सियान की ग्रैंडमा का कॉल आता है, असिस्टेंट पूछने लगता है, तो रुआन कहती है कि उनके घर में सिर्फ ग्रैंडमा ही मुझे प्यार करती थी और मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। रुआन ग्रैंडमा का कॉल अटेंड कर लेती है, तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम कितने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई, और उसे डिनर के लिए बुलाती है। तो रुआन ओके बोल देती है। असिस्टेंट रुआन से कहता है कि आज ही तो आपने मिस्टर गु से कहा था कि आपका और वो फैमिली का कोई भी लेना देना नहीं है, अगर आप दोबारा से उनकी फैमिली में जाएंगी तो न जाने क्या होगा। तो रुआन कहती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो, और वहाँ से चली जाती है। इधर ग्रैंडमा काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि रुआन आने वाली है, और वो सर्वेंट से भी कहती है कि वो मेरी फेवरेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। रुआन आती है तो ग्रैंडमा उसे बहुत ही प्यार से बातें करने लगती है। रुआन सोच रही थी कि क्या मुझे ग्रैंडमा को डिवोर्स के बारे में बता देना चाहिए, तभी ग्रैंडमा रुआन से पूछती है कि तुम कहाँ खोई हुई हो, क्या तुम्हें सियान ने फिर से परेशान किया, तुम मुझे बताओ, मैं उसे सुधार दूंगी। तो वो कहती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर लिंजिंग और सिसी भी आ जाते हैं। लिंजिंग रुआन को देखकर उस पर भड़क जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ग्रैंडमा लिंजिंग पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम रुआन पर गुस्सा क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। लिंजिंग ग्रैंडमा से कहने लगती है कि मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, आपके लिए भी मैंने कितना कुछ किया है, आप मुझे इस लड़की की वजह से बाहर क्यों निकाल रही हैं? ये लड़की मेरे बेटे को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, मैं एक माँ होने के नाते उसका कभी भी बुरा नहीं देख सकती। तो ग्रैंडमा लिंजिंग पर ही भड़क जाती है। सीसी रुआन से कहने लगती है कि ग्रैंडमा और आंटी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, जिस वजह से ग्रैंडमा आंटी पर गुस्सा है, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तो ग्रैंडमा सीसी को भी सुना देती है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो, तुम्हें बीच में बोलने की इजाज़त किसने दी, तुम्हें खुद को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और ग्रैंडमा लिंजिंग को भी बोल देती है कि अगर तुम्हें इस मिस्ट्रेस को घर पर लेकर आना है तो तुम भी इस घर में इन्वाइटेड नहीं हो। तो दोनों ही गुस्से से वहाँ से चली जाती है।
रुआन ग्रैंडमा से कहती है कि आप मेरे लिए इतना खिंच क्यों करती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मैं अपनी बेटी के जैसा ही समझती हूँ, जो भी तुम्हें बुली करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रुआन अपने और सियान के डिवोर्स के बारे में उन्हें बताने ही वाली थी, तभी ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हें सियान ने परेशान किया, मुझे बताओ। तो रुआन मना कर देती है, तभी वहाँ पर सियान पहुँच जाता है जो रुआन को देखकर हैरान हो जाता है। और ग्रैंडमा का मूड ख़राब देखकर वो पूछने लगता है कि क्या हुआ, और रुआन पर ही गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम्हारी वजह से ग्रैंडमा गुस्से में है। तो ग्रैंडमा सियान को कहती है कि ये सब इसकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी माँ वजह से हुआ है। सियान वहीं पर बैठ जाता है। यहाँ पर ग्रैंडमा सियान को समझाने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए, और उन दोनों को अकेले टाइम बिताने के लिए भेज देती हैं। सियान और रुआन वहाँ से जा रहे थे, तभी सियान उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने आई हो और उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ आने के लिए फ़ोर्स किया कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करके मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊँगा। तो वो कहती है कि माना मैं तुमसे पहले प्यार करती थी लेकिन अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वैसे भी हमारा डिवोर्स होने वाला है और कभी ना कभी ग्रैंडमा को ये बात पता चल ही जाएगी, मैं बस हमारे डिवोर्स सर्टिफिकेट आने का वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं ग्रैंडमा को बता दूँगी। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा, तुम एक बेकार लड़की हो जिसने सीसी को धक्का दे दिया था। तभी रुआन उसे थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि तुम बस अपने ही सपने बुनते रहो, मैं ही पागल थी जो तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से प्यार कर बैठी, लेकिन अब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोकता है और उसे सुनाने लगता है कि तुम स्टार्टिंग से ही मुझे झूठ बोलती आ रही हो, तुमने अपनी आइडेंटिटी भी मुझसे छुपाई। तो रुआन दोबारा से उसे थप्पड़ मारने वाली थी, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे काफ़ी कुछ सुनाया जा रहा था। तो रुआन उसके हाथ में बाइट कर लेती है और कहने लगती है सीसी के पास जाओ, यहाँ पर मेरा दिमाग मत खाओ, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके पास यहाँ ग्रैंडमा के पास जाता है तो ग्रैंडमा रुआन के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि वो चली गई। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुमने उस पर फिर से गुस्सा किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हें उसने मारा। तो सियान कहता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से कौन ही लड़ सकता है, आप इतना ज़्यादा उसका साथ जो देती है इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। तो सियान कहता है कि मैं आपका ग्रैंडसन हूँ या फिर वो। ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैंने कहा ना कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकती, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, तुम जाकर उसे वापस लेकर आओ। तो सियान के मुँह से गलती से निकल जाता है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, जो सुनकर ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुमने क्या कहा। तो सियान रुआन की बात याद करने लगता है जब उसने कहा था कि हमें अभी ग्रैंडमा को नहीं बताना चाहिए जब तक हमें डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिल जाते, उसके बाद हम उन्हें बता देंगे वरना उनकी तबीयत कहीं और ख़राब ना हो जाए। तो फिर वो बात को पलटते हुए कहने लगता है कि मैं कह रहा था कि मैं बाद में उसे ले आऊँगा। तभी शर्मिन आकर बताती है कि खाना तैयार है। तो सियान कहता है कि चलो हम खाना खा लेते हैं। तो ग्रैंडमा उस पर भड़क जाती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खाना खाना, जाकर मेरी बहू को लेकर आओ। तो सियान कहता है कि ठीक है मैं ऑफिस चला जाता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा शर्मिन से कहने लगती है कि अगर मैं इस पर गुस्सा नहीं करती तो ये रुआन को वापस नहीं लेकर आएगा। नेक्स्ट सीन में सियान न्यूज़ देख रहा था जिसमें बताया जाता है कि 3 साल के बाद रुआन ग्रुप की डॉटर वापस आई है, और आते ही उसने मिस्टर गु के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा जाने वाला है और इसे कहीं ना कहीं बो ग्रुप को नुकसान होगा। तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है कि आज रेस्टोरेंट में रुआन और मिस्टर गु की मीटिंग थी। इधर रुआन और मिस्टर गु गाड़ी में बैठे हुए थे और रुआन कहती है कि कोलैबोरेशन बहुत अच्छा रहा। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो रुआन कहती है कि नहीं, अभी मुझे असिस्टेंट से मिलकर कुछ बात करनी है, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर सियान आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। रुआन उस पर गुस्सा करने लगती है, तो वो उससे कहता है कि तुम पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहती हो कि तुम किसी और के साथ हो। तो रुआन कहती है कि ये तो तुमने भी किया था सीसी के टाइम पर, जब तुम उसका साथ दे रहे थे तब तुम्हें वो गलत नहीं लगा, और वैसे भी अब तो हमारा डिवोर्स हो चुका है और मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। और वहाँ से जाने लगती है तो सियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मेरी मॉम मुझे क्वेश्चन पूछ रही है, तो चलो मेरे साथ उन्हें जवाब देने, और उसे ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर रुआन आ जाते हैं जो सियान को कहने लगते हैं कि खबरदार जो मेरी बेटी पर हाथ लगाया। तो सियान कहता है कि क्या आपको पता है कि ये गलत कर रही है। तो मिस्टर रुआन कहते हैं कि गलती तो मैंने की थी उस टाइम पर जब इसने मुझे कहा था कि ये तुमसे प्यार करती है, मुझे इसे उसी टाइम पर रोक देना चाहिए था तुम जैसे घटिया इंसान से शादी करने से, लेकिन अब मैं अपनी बेटी पर एक भी आँच नहीं आने दूंगा। रुआन यहाँ पर अपने डैड को शांत करवाती है और ये सीसी भी देख लेती है और कहती है कि ये तो मिस्टर रुआन है, इनकी तो अपनी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं। तो रुआन इनका हाथ पकड़ कर क्या कर रही है और फोटो खींचने के लिए कहती है कि ये फोटो मैं आंटी लिंजिंग को दूंगी। यहाँ पर रुआन सियान से कहती है कि मुझे आंटी लिंजिंग को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। इधर लिंजिंग फोटो लेकर ग्रैंडमा के पास पहुँच जाती है, तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम ये दिखाकर क्या साबित करना चाहती हो। लिंजिंग कहने लगती है कि आप देख रहे हैं कि ये किसी और आदमी के साथ है जिसका अपना खुद का परिवार है, ये घटिया औरत है। तो ग्रैंडमा फिर से लिंजिंग पर ही भड़क जाती है कि ये झूठी तस्वीर है। लिंजिंग कहने लगती है कि मैं उसे अपने बेटे की लाइफ से बाहर निकाल कर रहूंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्रैंडमा का हार्ट फेल हो जाता है।
इधर सियान को असिस्टेंट आकर बताता है कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है जब ग्रैंडमा हार्ट अटैक की वजह से कोमा में चली गई थी। सियान लिनजिंग से पूछता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, तो लिनजिंग कहने लगती है कि इन्हें रुआन के अफेयर के बारे में पता लग गया था, तभी वहाँ पर रुआन भी आ जाती है। लिनजिंग रुआन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया है। रुआन उन्हें इग्नोर करके ग्रैंडमा को देखने लगती है, तभी ग्रैंडमा की फिंगर मूव करती है। सर्वेंट तुरंत डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। देन ग्रैंडमा को होश आ जाता है और वो रुआन को देखकर काफ़ी खुश थी, और लिनजिंग और सियान से कहने लगती है कि मैं रुआन के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो तुम दोनों यहाँ से जाओ। तो लिनजिंग कुछ कहने लगती है तो ग्रैंडमा सियान से कहती है कि अपनी मोम को यहाँ से ले जाओ, और डॉक्टर चेक करके बताता है कि अब इनकी कंडीशन नॉर्मल है और वहाँ से चला जाता है, और सियान भी अपनी मोम को वहाँ से ले जाता है। ग्रैंडमा रुआन से कहने लगती है कि कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, मुझे पता है कि इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, जरूर कोई ना कोई सियान और तुम्हारे रिश्ते से जेलस होगा, उसी ने ये फोटो डाली होगी। तो रुआन कहती है कि नहीं, वो फोटो सच थी, लेकिन जैसा दिखाया गया है वैसा कुछ भी नहीं था, एक्चुअल में वो मेरे डैड थे, मैं मानती हूँ कि मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि उसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इधर सीसी सो रही थी तभी एक आदमी सब कुछ कॉल करके उसे बताता है कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है क्योंकि लिनजिंग और ग्रैंडमा की लड़ाई हो गई थी। तो सीसी मुस्कुराने लगती है कि अब वो ओल्ड वुमन मेरी दया से मरने वाली है, और ये सरप्राइज़ रुआन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। द मिस्टर रुआन को तो उस न्यूज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी वाइफ को चीट कर रहा हूँ, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें की है इन लोगों ने, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो रुआन अपने डैड को मना करती और कहती कि अगर सीसी ऐसा चाहती है तो ठीक है, उसी की दवाई उसी को खिलाते हैं, आप दो दिन बाद पार्टी में जाने वाले हैं ना, तो वो हाँ कहते हैं। तो रुआन कहती है कि अब आएगा मज़ा। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर सीसी लिनजिंग को कहती है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग आए हुए हैं, तभी लिनजिंग की नज़र रुआन और मिसेस रुआन पर पड़ती हैं। वो देखकर सीसी कहने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं, इसका तो बिल्कुल भी यहाँ आने का स्टेटस नहीं है। तो लिनजिंग कहती है कि ज़रूर यहाँ पर आने के लिए भी इसने कोई बुरे काम ही किए होंगे, वैसे भी या मिस्टर रुआन को सीक्रेटली डेट कर रही है। अब मैं इसी के सामने जाकर इसे बताती हूँ, और रुआन के पास पहुँच जाती है और उसे कहने लगती है कि तुमने इसी औरत का घर बर्बाद कर दिया, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और इसी के साथ यहाँ पर आ गई हो। सीसी भी रुआन को सुनाने लगती है कि तुम्हें दूसरों का घर बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आती, जरूर यहाँ पर भी तुम किसी और आदमी का घर बर्बाद करने आई होगी। तो रुआन कहने लगती है कि ये बात तुम्हारे मुझसे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुमने खुद ने मिस्टर चैन का घर बर्बाद किया है, और तो और मेरा घर भी तो तुम्हारी वजह से ही बर्बाद हुआ है। तभी सीसी आसपास देखती है जो वीडियो में देख रहे थे जहाँ पर मिस्टर चैन और सीसी आपस में रोमांस कर रहे थे, ये सब देखकर लिनजिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर सीसी अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि ये सब फेक है, जरूर इसने ये एडिट करके बनवाया होगा, और आपको तो पता ही है कि ये मुझसे कितनी ज़्यादा जलस है। और रुआन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मिस्टर चैन से मैं बिज़नेस के सिलसिले में मिली थी और तुमने उसे मॉडिफाई करके ऐसा दिखाया है। तो रुआन कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो किसी का हस्बैंड है और उसकी अपनी फैमिली है। सीसी तो दोबारा से लिनजिंग को समझाने लगती है, तभी वहाँ पर सियान भी पहुँच जाता है। तो वो सियान को भी समझाने लगती है कि ये जो भी वीडियो में था सब कुछ झूठ है, इसने मॉडिफाई करके दिखाया है। तो सियान गधा तो दोबारा से रुआन को ही कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सीसी भी कहने लगती है कि मैंने इसे एक्सपोज किया है कि ये मिस्ट्रेस है, इस वजह से ये मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रही है। तो लिनजिंग मैनेजर को कहने लगती है कि इस जैसी औरत को पार्टी में क्यों रखा हुआ है, इसे तुरंत यहाँ से निकाल दो, ये यहाँ का माहौल ख़राब कर रही है, मैनेजर रुआन को कहता है। तभी मिसेस रुआन गुस्से में कहती है कि किसी ने भी मेरी बेटी को हाथ लगाया तो देख लेना। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सीसी कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये रुआन फैमिली की डॉटर है तो इसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। तो मिसेस रुआन कहती है क्योंकि ये सियान से शादी करना चाहती थी और हम लोग सियान पर कोई भी बर्डन नहीं रखना चाहते थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि जब इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो तुम सभी मिलकर इसे इतना ज़्यादा बुली करोगे। रुआन कहने लगती है कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डिवोर्स के लिए रजिस्टर कर दिया है और जल्दी हमारा डिवोर्स भी हो जाएगा। लिनजिंग तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तभी वहाँ पर मिस्टर रुआन भी आ जाते हैं और लिनजिंग से कहने लगते हैं कि लगता है कि आपको अपने फैसले पर अब रिग्रेट हो रहा है। लिनजिंग उन्हें मनाने की कोशिश करती है, तभी सियान बीच में आ जाता है और लिनजिंग को वहाँ से ले जाता है। सीसी उनके पीछे जाने लगती है, तभी रुआन सबके सामने अनाउंस करती है कि जो भी की फैमिली के साथ कॉपरेशन करेगा उसे रुआन फैमिली का साथ कभी भी नहीं मिलेगा, और जो उन्हें बीच में ही छोड़ देगा उसे हम गिफ्ट देंगे। जिसके बाद सीसी घर पहुंचती है जहाँ पर सीसी के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सारी कंपनी हमें बीच में ही छोड़कर जा रही है और सभी लोगों ने शेयर्स भी बेच दिए हैं, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी कंपनी डूब गई। तो सीसी कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि वो रुआन फैमिली की डॉटर है, और सियान को पटाने के लिए तो आपने ही मेरा साथ दिया था। तो डैड कहते हैं कि जाकर उसे माफ़ी मांगो। नेक्स्ट सीन में रुआन सो रही थी तभी उसे सपना आता है जहाँ पर वो सियान को बचाकर लेकर आती है और उसे एक जगह पर बैठाकर उसके लिए पानी लेने जाती है। तभी लिनजिंग सियान को ढूंढ लेती है।
और वो अपने सामने एक लड़की को देखकर उसका नाम पूछता है तो वो सीसी बताती है। लिनजिंग सीसी और सियान को अपने साथ ले आती है। नेक्स्ट सीन में सियान कुछ काम कर रहा था तभी ग्रैंडमा वहाँ आती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें सियान और रुआन की बचपन की फ़ोटोज़ थी। तो सियान कहने लगता है कि आपको कहाँ से मिला, तो ग्रैंडमा कहती है कि किसी ने मुझे भेजा। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें सीसी ने बचाया है? वो लोग इतने सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें रुआन ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया और तुम्हें कितनी दूर तक लेकर आई और उसका सारा क्रेडिट सीसी ने ले लिया, वो कितनी ज़्यादा बेकार लड़की है। इसी से पता चलता है कि वो सब झूठी बोलती है। तो सियान कहता है कि क्या ये सच हो सकता है? तो ग्रैंडमा कहती है कि सच है या नहीं ये तो तुम पता कर लो, और वहाँ से चली जाती है। तो सियान असिस्टेंट को कॉल करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। इधर रुआन काम कर रही थी तभी असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि सीसी आपसे मिलने आई है। तो रुआन कहती है कि उसे बाहर ही रहने दो, और वहाँ से जाने लगती है। तभी सीसी रुआन को रोक कर कहती है कि तुम्हारी वजह से हम बैंकक्रप्ट हो गए। तो रुआन कहती है कि इसमें मैंने क्या किया है, तुम अपनी वजह से ही बैंकक्रप्ट हुई हो, तुम्हारे लालच की वजह से। तो सीसी के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। रुआन कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। सीसी किसी को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी, तुम्हें मेरा काम करना होगा। तो वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि की फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी है, तो तुम्हारे पास तो 1 लाख बिल्कुल नहीं होंगे, और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट दिन में रुआन बैठी हुई थी तभी सियान उसके पास आता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा ली है, मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी कभी भी कोई गलती नहीं थी और मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें फ्यूचर में सब कुछ कंपनसेट कर दूंगा। तो रुआन कहने लगती है कि तुम क्या कंपनसेट करोगे, क्या तुम वो 3 साल वापस लाकर दे सकते हो जो मैंने तुम पर वेस्ट किए हैं, या फिर मेरा बच्चा जो मैंने तुम्हारी वजह से खो दिया? मुझे तुम्हारे कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हें पहले समझना चाहिए था। अब हमारा डिवोर्स होने वाला है और अब मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। सियान उसे बाहर देखने लगता है तभी वो देखता है कि एक आदमी ने रुआन को किडनैप कर लिया है। वो तुरंत कॉल करके रुआन की लोकेशन निकालने के लिए कहता है। रुआन को सीसी ने किडनैप करवाया था, उसके पास आती है और उसे जगाती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमारी पूरी कंपनी डूब गई और हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उस आदमी को रुआन को मारने के लिए कहती है तो वो आदमी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मैं पहले इसे टेस्ट करना चाहता हूँ, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर सियान पहुँच जाता है जो देखकर सीसी तो डर जाती है। सियान रुआन को बचा लेता है, सीसी कुछ कहने लगती है तो सियान उसे चुप करवा देता है। रुआन को वहाँ से ले जाने लगता है लेकिन सीसी को तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो चाकू उठाती है और रुआन को मारने जाती है। तभी सियान बीच में आ जाता है और चोट उसे लग जाती है, जो देखकर सीसी तो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। रुआन उसे जगाने की कोशिश करती है और रोने लगती है। देन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुआन डॉक्टर से पूछती है कि वो कब तक उठेगा, तो डॉक्टर कहता है कि इनके लीवर पर चाकू लग गया था, हमने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन अब ये कब तक उठेंगे ये तो इनकी किस्मत पर ही डिपेंड करता है, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुआन सियान के पास थी और उसे बताती है कि सीसी को उम्र कैद की सजा हो गई है क्योंकि उसने बहुत से बुरे काम किए हैं, और ग्रैंडमा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी तो मैंने उनसे बोल दिया कि तुम बिजनेस ट्रिप के लिए गए हो, तुम्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है लेकिन तुम उठना नहीं चाहते, इस वजह से मैं तुमसे बातें करूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते, अभी भी सपनों में खोए हुए हो। और उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि क्या तुम उठ सकते हो। तभी सियान अपनी आंखें खोलता है, रुआन उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। सियान कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन रुआन उसे माफ़ नहीं करती और यह ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।